Hi everyone. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनरीज अंडर दी सीआरपीसी. अब फंक्शनरीज का मतलब क्या है? आप देखो, जब हमने डिस्कस किया था अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि प्रोसीजरल लॉ का मकसद क्या है, प्रोसीजरल लॉ है आपको फैसिलिटेट करता है सब्सटेंटिव लॉज के प्रोविजन को, तो एक प्रोसीजर मैकेनिज्म तैयार कराता है. तो जैसे मैं बात करूं, लेट अस से एक हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट है जो कि गाड़ियां प्रोड्यूस करते हैं. वी हैव अ कन्वेयर बेल्ट सिस्टम जो कि यहां से एक जने का टास्क होता है पेंट करना, एक जने का टास्क होता है स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू टाइट करना, राइट, एक जने का टास्क होता है सारे मशीनों को असेंबल करना. तो टेक्निकल टीम होती है, डिजाइनिंग टीम होती है, तो सब मिलके एक मोटर व्हीकल बनाते हैं. फिर इधर कार, मोटरसाइकिल, ट्रक, व्हाटएवर इट इज. इसी तरीके से इस सब्सटेंटिव लॉ के प्रोविजंस को फुलफिल करने के लिए हमें एक मैकेनिज्म चाहिए और लोग चाहिए, ऑफिसर्स चाहिए. उन ऑफिसर्स का फंक्शन होता है कि वो सारे प्रोसीजर को अपना अपना पार्ट फुलफिल करें ताकि प्रोसीजर सारा कंक्लूड हो, तो उनको हम कहते हैं फंक्शनरी. सीआरपीसी के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज हैं? सीआरपीसी के अंदर पांच इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज हैं: पुलिस, देयर आफ्टर वी हैव जुडिशियल मजिस्ट्रेट, प्रोसिक्यूशन, देन वी हैव आपका प्रिजन अथॉरिटीज, डिफेंस काउंसिल. ये पांच आपको फंक्शनरीज हैं जिनके बारे में हमें बात करना है. तो स्पेसिफिकली हमने प्रोसिक्यूशन के लिए अलग से वीडियो बनाया जिसके अंदर हमने सेक्शन 24 से लेके 25A डिस्कस किया, दैट इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर. हमने फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी. फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जहाँ आते हैं उसके लिए हमने 6 से लेके 20 आपको 3 तक जो 6 से लेके 21 तक सॉरी हमने डिस्कस किया, जहां हमने प्रोविजंस डिस्कस किए, हायरार्की क्या होती है, पावर्स क्या होती है, किस तरीके से सेटअप है पावर्स उनके 28 एंड 29 के अंदर, एक छोटे से वीडियो के अंदर हमने समझा. पावर के लिए एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, बट मोस्टली आपको नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए एक वीडियो बनाया है जहां पे हमने सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 15 डिस्कस किया है. फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है जहां हमने सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 21 तक डिस्कस किया आपके साथ. सिमिलरली प्रोसिक्यूशन के लिए बनाया है, डिफेंस काउंसिल के लिए सेक्शन 302 के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है. इस वीडियो में हम प्रोसिक्यूशन फंक्शनरी के अंदर डिस्कस करेंगे आपको रोल ऑफ पुलिस एंड प्रिजन अथॉरिटीज. तो आइए लेट अस गेट स्टार्टेड. सो वी हैव फंक्शनरी अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पांच होते हैं. सो वी हैव पुलिस, प्रोसिक्यूटर, डिफेंस काउंसिल, मैजिस्ट्रेट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, प्रिजन अथॉरिटीज. तो स्टार्ट करेंगे पुलिस से. वी हैव पुलिस, आप समझो सीआरपीसी प्रीसपोज करती है एग्जिस्टेंस ऑफ पुलिस, प्रीसपोज करती है. सीआरपीसी समझती है कि ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूशन ऑफ पुलिस एग्जिस्ट करती है. सीआरपीसी सिर्फ उनको आर्म कर देती है कुछ पावर्स के साथ ताकि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा सकें. जैसे अरेस्ट, अभी जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 41 से आगे, फिर हम पढ़ेंगे कई सारी ड्यूटीज हैं, राइट्स हैं. इसमें आप एक टर्म फ्रीक्वेंटली पढ़ोगे, स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको SHO भी कहा जाता है. सो इन SHO ये हेड ऑफ आपको स्टेशन होते हैं. पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन है सेक्शन 2S के अंदर. तो पुलिस स्टेशन का मतलब होता है कोई भी पोस्ट जो कि डिक्लेयर्ड होता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी पुलिस स्टेशन. तो आपको ये जानना है, सेक्शन का नंबर जानना है 2S, क्योंकि कभी कभी आपको पूछ देते हैं जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पुलिस स्टेशन कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन है. इट इज 2S.
सिमिलरली ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन 2O के अंदर डिस्कस्ड है. तो अगेन पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस सेक्शन 36 के अंदर है. ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर जो कि अबव है फ्रॉम द रैंक ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर ऑल थ्रू आउट द लोकल एरिया जहां वो अपॉइंट हुए हैं. अब पुलिस एक्ट थोड़ा पढ़ते हैं हम इसके साथ. पुलिस एक्ट क्या करती है, इसका प्रियम्बल कहता है कि An instrument for prevention and detection of crime is police. तो police को कैसे ये define करते हैं police act? ये कहते हैं कि एक instrument है for prevention and detection. तो दो चीजें, prevention मतलब prevent करना, detection मतलब उजागर करना, detect करना crime को. सारी state government establish करती हैं अपनी अपनी police. IGP जिसको कहते हैं Inspector General of Police, वो overall head होते हैं police का उस state के लिए. So head of police force of the state, IGP, deputy inspector general, that is deputy IGP and assistant IGP, उसके अंदर आते हैं. District head, district के लिए head होते हैं DSP, district superintendent of police, और collector DM को कहा जाता है. ये सारी चीजें आपको पुलिस एक्ट के अंदर आती हैं. अब पुलिस एक्ट 1888 की है, पुलिस एक्ट 1949 की है, ये बस इसके कुछ कुछ प्रोविजंस को एडिशंस करने के लिए करती हैं 1949 की एक्ट, बट मेजर एक्ट है आपको 1888. अब जैसे एक स्पेशल है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1949, ये आपको सीबीआई एस्टैब्लिश करती है, सीबीआई की एजेंसी इसके अंदर एस्टैब्लिश्ड है. अब प्रिजन अथॉरिटी भी सिमिलरली जैसे हम लोगों ने पढ़ा आपको पुलिस होती है, वैसे ही प्रिजन की भी अथॉरिटी अज्यूम्ड है सीआरपीसी के अंदर. कोर्ट क्या करती है कि पहले कोर्ट लेट अस से कोर्ट ने किसी को गिल्टी कर दिया, कोर्ट ने किसी को गिल्टी हेल्ड कर दिया, तो उसको कोर्ट ट्रांसफर कर देती है प्रिजन अथॉरिटी में, ताकि प्रिजन अथॉरिटी ये कोर्ट के दी गई सेंटेंस को इम्प्लीमेंट करें, जेल जिसको आप कहते हो. तो ये था मोर ऑर लेस ऑल ऑन टू इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज. बाकी के फंक्शनरीज को हम लोगों ने स्पेशल वीडियो के थ्रू डिस्कस किया है, आप जाके हमारी प्लेलिस्ट चेक करो, आपको वीडियोस वहां मिल जाएगी. होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हो. इफ यस यू कैन और आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो डाउन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आवर वीडियोस which are being uploaded on day-to-day basis on a very similar front. Check out our channel. We have created a lot of videos on day-to-day practical intricacies of law. साथ ही साथ हमने कई career motivational videos हैं, जैसे career guidance videos जिसको आप कह लो, that whether role of in-house counsel is better or going to law firm is better. If you need to crack judiciary, what are the steps to take? ये सारी वीडियोस आपको corporate law के लिए, if you want to practice corporate law, what are the things you can do inside law school? How to write legal research papers? Every video, even for that matter, bar exams कैसे निकाले? ये सारी वीडियोस हमारे लॉ सीखो के चैनल में कवर्ड है. So if you're finding our video useful, please hit the subscribe button. Also press the bell icon and keep watching law सीखो and keep learning the law.